है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय DIY चैनल। मेरा नाम शांकी है। मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इजी क्विक DIY वीडियोस, जिनसे आप अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं और अपने घर पे पड़ी फालतू चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्डबोर्ड को हम इस तरह से गोल कट कर लेंगे और अब मैं इस पे ऐसी रफ कुछ लाइंस बना रही हूँ। ये मैंने ले ली है बेम्बू स्टिक्स या स्क्यूअर्स, या आसानी से आपको डिस्पोजल जहाँ पे मिलते हैं उनकी शॉप पे मिल जाएंगे, या कोई स्टेशनरी पे भी आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से इनको लगाते जाइए और बस ये 5 मिनट्स में हमारा रेडी हो गया है। मैंने इस पर किया है स्प्रे पेंट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं। और अब मैंने इस पे मिरर लगा दिया है और मैं कुछ इस पे हाफ कट बीड्स लगा रही हूँ। आप अगर चाहें तो कुछ लेस वगैरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं कुछ पर्ल्स लगा रही हूँ। ये बहुत ही इजी है, लेकिन जब इसको वॉल पे आप लगाओगे, आप इसके 4-5 सेट बना सकते हैं, या जिससे भी आपकी वॉल का साइज़ है आप इस तरह से उसको लगा सकते हैं। गाइज़, ये बनाने में बहुत ही आसान बट बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही एक्सपेंसिव लुक देता है, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा वॉल डेकोर। उसके लिए भी मैंने ऐसी सर्कल कार्डबोर्ड ले लिया है और ये पिस्ता शेल्स मेरे पास रखी थी तो मैंने उन्हें फेंका नहीं था और ये संभाल के रखी थी कि मैं इसे कुछ बनाऊँगी। सो इस तरह से आपको लगाते जाना है और ये जो बीच में गेप है इनको ऐसे पिस्ता शेल से आप इसे चिपकाते जाइए। ग्लू गन से चिपकाते टाइम आप ध्यान रखिए कि वो आपके हाथ पे लग न जाए। हमारा ये फ्लावर हो गया है रेडी, पिस्ता शेल फ्लावर, और मैंने ऐसे 3 सेट बना लिए हैं। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसको फेवी बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं। मैं कर रही हूँ इन पे एक्रेलिक कलर्स, आप चाहें तो इसको नेचुरली ऐसे भी रहने दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इनको लगा रही हूँ ये 3 कार्डबोर्ड्स पे, जो मैंने पहले एक लीफ पेंटिंग करी थी तो मैंने सोचा कि ये उन्हीं पे मैं लगा देती हूँ तो और अच्छे लगेंगे। आप इनको सिर्फ सिंपल कार्डबोर्ड पे भी लगा सकते हैं, या आप इनको ब्लैक कलर के कोई कार्डबोर्ड बैकग्राउंड लेके उस पे भी ये बहुत सुंदर लगेगा। या तो आप इसको हैंग कर सकते हैं या फिर इस तरह से डबल टेप लगा के भी आसानी से इसे वॉल पे लगा सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अगर इसी तरह के वीडियोज़ देखना आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मेरा हर रोज़ एक शॉर्ट आता है और हर हफ्ते वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।